हेलो दोस्तों सो so, मैं अभी मनी कंट्रोल डॉट कॉम पर बहुत सारी न्यूज़ पढ़ रहा था और एक न्यूज़ की वीडियो भी आने वाली है या अभी तक आ गई होगी चैनल पे सो आई एम नॉट श्योर सो थॉट टू मेक दिस सेपरेट वीडियो बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दैट सेबी इज़ ब्रिंगिंग फॉर अस सो जैसा कि आप मैं आप अगर हम मार्केट में देख रहे हैं रोज देखते हैं थोड़ा बहुत जानते भी हैं इस चीज़ में तो हमें पता है कि अगर हम अपनी बात करें तो हमें माना जाता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं कुछ होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो कि अंग्रेज लोग हैं जो डॉलर्स में पैसे डालते हैं हमारे आ, इंडियन मार्केट्स के ऊपर फिर बात करते हैं कि कुछ होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो कि हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हमारे मार्केट्स में ही पैसा डालते हैं तो ये तो हम सभी जानते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है बट एक नया चीज जो सभी इंट्रोड्यूस करने वाला है और उन्होंने अपना कंसल्टेशन पेपर पे, रिलीज कर दिया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस आ, आ, क्या कहते हैं पेपर को पढ़ें एंड दे आर ओपन टू लाइक योर सजेशंस सो दे आर ब्रिंगिंग अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड ए क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ए नाउ वॉट दो आईज विल बी ए क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स है क्या चीज सो so, दोस्तों एज पर सेबी सेबी का मानना यह है कि कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट में आज ऐसे हैं जिनकी लाइक उनको पहले से कुछ ज्यादा अच्छे से पता लग जाता है कि मार्केट में कब क्या रिस्क आने वाला है और कब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या मार्केट के मूवमेंट को वो एक नॉर्मल इंसान से पहले आ, मैप कर लेते हैं सो so, सेबी का ऐसा मानना है कि ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स अभी इस टाइम पे प्रेजेंट हैं मार्केट के अंदर तो बेस्ड ऑन दैट सेबी सेबी हैज टेकन अ डिसीजन दैट यस वो एक इन्वेस्टर्स की अलग कैटेगरी बनाने वाले हैं एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हाँ बट उसमें अगर आप एक एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं सो so, पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा तो बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों कि नॉर्मल अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं सो देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू नीड टू फॉलो फॉर अ गिवन डे फॉर अ गिवन टाइम ऑन ऑन स्टॉक्स एंड एवरी Uh, we will make a separate video on that. However, for these AIs, the uh, accredited ये जो रोक थाम लगाई गई है इन नॉर्मल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स पे ये एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स पे नहीं लगाई जाएगी क्यों क्योंकि सभी का मानना ये है कि एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर का कंसेप्ट हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत हेल्प करेगा फर्ज कर लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कोई एक नया स्टॉक आ रहा है या कोई एक नया म्यूचुअल फंड आ गया है जिसमें आपको मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सारे एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर पहले से आई में बुकिंग करी है या म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा डालने वाले हैं सो देन वी कैन टेक अ इंफॉर्म डिसीजन कि नहीं चलो ठीक है अगर एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर कह रहा है कि भैया ऐसा होने वाला है तो शायद वो सही कह रहा होगा पर एक एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर बनने के लिए दोस्तों तीन कंडीशंस हैं जो सेबी ने दी हैं वो कंडीशंस मैंने अपने आ, आ, अपने बुक में लिख लिया है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि वो कंडीशंस क्या क्या हैं सो so, आई आशा करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स बन पाएंगे और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को मदद कर पाएंगे सो so, पहला आ, जो कंडीशन है एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर बनने का वो है कि आपकी एनुअल इनकम टू करोड़ रुपीज से ज़्यादा या उसके इक्वल होनी चाहिए दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन और, so there is और statement, अगर ऐसा नहीं है तो क्या है सो so ये है कि अगर आपकी नेटवर्थ सेवन पॉइंट करोड़ रुपीज है, है फाइनेंशियल एसेट्स पे सो so देन से भी आपको एक accredited इन्वेस्टर की सर्टिफिकेट देगा अब बात, कर, अब बात कर लेते कि अगर ये भी नहीं है तो तो तीसरा वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है तो ये है कि अगर आपकी एनुअल इनकम वन करोड़ रुपीज है और आपकी नेटवर्थ फाइव करोड़ रुपीज है एंड उस फाइव करोड़ में से आपने 2.5 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है देन यू विल बी गिवन द कैटेगरी ऑफ ए आई और ए क्रेडिटेड इन्वेस्टर बाय सेबी दोस्तों ये चीज अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है आई विल रिपीट माई सेल्फ

तो मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे लगा कि मेरी ट्रैवन टेक फैमिली के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग भी इसमें इंफॉर्म्ड रहें थैंक यू